बहुत ही अच्छे तरीके से काम कराया जाएगा, जिससे महिलाओं की सुरक्षा का भाव उत्पन्न। सर कई ऐसे अनसुलझे पहलू है क्राइम के अंदर, जबकि 5-5 साल हो गए हैं वो अभी तक सुलझे नहीं है, उसको कैसे आप उन पर करेंगे? पहले तो मैं उन सबको स्टडी करूंगा, अभी आप बता रहे हैं सर मेरे संज्ञान में उतनी जानकारी नहीं है, इसलिए जांच ये हुआ है। मैं उन सबको जानूंगा और उन सबको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा और एक रणनीति बनाऊंगा कैसे उनको सॉल्व किया जाए। कई बार ऐसे हैं जो सबसे रहती है, जब उनका वीडियो वायरल होता है तो कार्रवाई करती है, माध्यम से चीजें हैं पुलिस से कार्रवाई करती है। हो सकता है कोई कोई मामला पुलिस से संज्ञान नहीं वीडियो के माध्यम से आए, तो इसलिए वीडियो के संज्ञान पे आने के हम कार्रवाई करते हैं। रिपोर्ट बहुत जाते थे, इंस्पेक्टर एक नहीं पहुंच पाते थे, क्या विभागों की कमी पूरी करने की कोशिश करेंगे? सर बहुत ही अच्छे अधिकारी थे, हम सर के रास्ते पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे। यही प्राथमिकता है, कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना, उसके साथ अपराध को कंट्रोल करना और साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना, ये तीन मेरी मेजर प्राथमिकताएं रहेंगी। लेकिन इसके साथ जितने भी इशू हैं सब पे मैं लगातार कार्य करूंगा। जैसे कि आगरा एक पर्यटन रणनीति तैयार की जाएगी और जो कोई भी घटना, पहले तो घटना को होने से रोका जाएगा, जनता में सुरक्षा का भाव पैदा किया जाएगा और अपराधियों में भय का भाव पैदा किया जाएगा, उससे किसी भी अपराध को होने से रोका जाएगा। लेकिन फिर भी यदि कोई अपराध होता है तो उसका जल्द से जल्द अनावरण कर अपराधियों को कानून के तरीके से निपटा जाएगा। सर चुनाव आ रहे हैं, 2022 के अंदर चुनाव है, उसको लेकर क्या रणनीति रही आगरा पुलिस की ऐसा छोटे आगामी वर्ष चुनाव का है, इसके लिए आगरा पुलिस पूर्व से ही तैयारी शुरू कर चुकी है और उस तैयारी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सर जैसा कि ट्रैफिक कलर है आगरा के अंदर रोडवेज के कलर में बसें चल रही है फर्जी रूप से और सफेद बसें चल रही, प्राइवेट बसें गवर्नमेंट बसें चालू हो गई तो बंद हो गई, तो इसके लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ऐसी कोई भी सूचना आपके पास हो तत्काल मेरे तक लाएं और मैं उस पर विधिक कार्रवाई करने का पूरा आश्वासन देता हूं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।